दोस्तों कॉल फॉरवर्ड कैसे हटाते हैं? जैसे कि हम कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं या हमसे गलती से हो जाती है और हमारी कॉल मतलब नहीं आ पाती, या मतलब जिस नंबर पर बंद है हमारा उस नंबर पर हमसे गलती से कॉल फॉरवर्ड हो गई या हमने की हुई है और हम उसको हटाना चाहते हैं, तो कैसे हटा सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं करने गया, इसके लिए हमें जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। शो होने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर सर्चिंग का ऑप्शन आता है, तो हम इसको सर्च पे ऑप्शन करेंगे और यहाँ हम डायल करेंगे कॉल फॉरवर्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कॉल फॉरवर्डिंग, तो कॉल फॉरवर्डिंग पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इस तरह से शो होगा और यहाँ पर ये कुछ टाइम की लोडिंग उठाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर या तो ये ओपन करते ही खुल जाता है वरना यहाँ पर 2-4 मिनट ले लेता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक देता हूँ क्योंकि ये टाइम लेता है बहुत, ये पता नहीं कितनी देर में वो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये हमारी लोडिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलवेज फॉरवर्ड, तो यहाँ पर अलवेज फॉरवर्ड लिखा हुआ है, हम इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पर वाला नंबर हमारा आ जाएगा जिस पर हमारी कॉल फॉरवर्ड हुई हुई है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, अगर हम इसको कॉल फॉरवर्ड को हटाना चाहते हैं तो ये डिसेबल का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर डिसेबल पर हमें ओके कर देना है। तो डिसेबल पर ओके करने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी कॉल फॉरवर्ड डिसेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से आप देख सकते हैं फ़ोन सेटिंग में जाकर आपके कॉल फॉरवर्ड किस तरह से डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपको कॉल फॉरवर्ड करनी है तो यहाँ पर अलवेज फॉरवर्ड पर करके यहाँ पर वो नंबर डाल सकते हैं जिस पर आप कॉल सुनना चाहते हैं, कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं। जैसे किसी नंबर की कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉल फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप आसानी से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग उठाता है, तो यहाँ पर मेरी इसलिए लोडिंग उठा रहा है, दोनों जियो की सिम है मेरी, तो जो सेम नंबर होता है तो उसमें ऐसे ही करता है। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग उठाएगा, तो खैर कोई नहीं, यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो ये देख सकते हैं कॉल हमारी फॉरवर्ड जो थी वो डिसेबल हो चुके हैं, यहाँ पर अब ऑफ लिखा हुआ आ चुका है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं अब यहाँ पर डिसेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारी कॉल डिसेबल हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर कॉल फॉरवर्ड करनी है तो यहाँ पर आप नंबर डालकर कर सकते हैं, जिस नंबर की भी कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर उससे दूसरा नंबर डाल दीजिए जिस पर आप सुनना चाहते हैं। तो काफ़ी आसानी से आप ये कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता रहूँगा इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।